कृष्ण ने खिलाई बिंदिया को भर भर के मिर्ची। जी हाँ, आपको बता दे कि शोक सुहागन में काफी शॉकिंग ट्विस्ट देखने मिल रहा है। जहाँ अब तक हम देखते थे जिस कृष्ण के दिल में बिंदिया के लिए प्यार भरा हुआ था, अब वही कृष्ण अपनी हाथों से बिंदिया को मिर्ची खिला रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरा थाली भर के। चलो खाओ इसे, खत्म करो कृष्णा, खाओ इसे। जब उसने मिर्ची की डाली तो भाई तुमने हमारी अम्मा को चोट पहुंचाया, पता भी है तुम्हें? पहुंचाई। तुमने हमारी अम्मा को चोट पहुंचाई, पता भी है तुम्हें? सर फट गया उनका, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। गौरी बोलो। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिंदिया की वजह से अम्मा जी को चोट लगी है, ऐसा कृष्ण को लगता है। हालांकि इसके पीछे हाथ तो किसी और का है, पर वो सारा गुस्सा बिंदिया पर फूट पड़ता है और ऐसे में कृष्ण उसे रस्सियों से बांधकर और उसे जबरन मिर्ची खिला रहे हैं। और बिंदिया की हालत एकदम खराब होती जा रही है और वो पानी मांग रही है। ऐसे में कृष्ण पानी तो लेकर आते हैं पर उसे खुद ही पी जाते हैं। देखो, देखो उस मासूम गौरी को, इसे भी तुमने अपने जैसा ही बना दिया है। वो भी आप तो समझो। हाँ पानी, पानी क्या क्या पानी चाहिए? रुको एक मिनट। वेल, कृष्ण का ऐसा रूप आप सब भी पहली बार देखे होंगे और इस रूप से हर कोई परेशान है कि आखिर बिंदिया के साथ वो इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। वेल, देखना ये होगा कि क्या कृष्ण के सामने सारी सच्चाई आएगी और जब आएगी तो वो बिंदिया से किस तरह माफी मांगेंगे और क्या बिंदिया उन्हें माफ कर देगी। एंड फॉर मोर सच टेली टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।